हेलो फ्रेंड्स, रतलामी जायके में आपका वेलकम है। आज मैं आपके साथ एक बार फिर चाइनीज़ रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बॉम्बे में बहुत फेमस है, तो आज मैं आपके साथ चाइनीज़ भेल की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये बहुत जल्दी और आसानी से बन जाती है और इसका टेस्ट क्रंची और लाजवाब है। नूडल्स को बॉईल करने के लिए मैंने लगभग 1 लीटर पानी लिया है और इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। नूडल्स से चिपके नहीं तो उसके लिए हम इसमें 1 चम्मच तेल डालेंगे। पानी में अच्छी तरह से उबाल आ गया है, अब हम इसमें नूडल्स डालेंगे। नूडल्स मैं इसमें लगभग 200 ग्राम ले रही हूँ और आपको जितनी भेल बनाना है आप उसके अकॉर्डिंग नूडल्स कम ज़्यादा कर सकते हैं। नूडल्स को हम मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट तक हल्का सा सॉफ्ट होने तक बॉईल कर लेंगे। एक बार हम नूडल्स को चेक कर लेते हैं। नूडल्स को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है और देखिए मैं आपको तोड़ के दिखा दी हूँ, तो ये देखिए आसानी से टूट रही है लेकिन अभी भी इसमें थोड़ी सी कसर बाकी है, तो हम इसे इतना ही पकाएंगे और गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। नूडल्स को हम छलनी में निकाल लेंगे, मतलब इसका सारा पानी निकाल देंगे और इसमें हम ठंडा पानी डाल देंगे ताकि जो नूडल्स की ओवर कुकिंग है वो रुक जाए, क्योंकि क्या होता है कि अपनी भाप से ही और ज़्यादा पक जाते हैं, तो हम इसे ज़्यादा नहीं पकाना है। अगर ज़्यादा आप इसे पका देंगे तो ये टूटने लगेंगे। 1 चम्मच इसमें तेल डालेंगे। इसे नूडल्स से आपस में चिपकेगी नहीं और आप इसे जब भी बनाएंगे तो ये खिली खिली रहेगी। तेल इसमें हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तेल मैंने गरम कर लिया है, इसे हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है और अब हम इसमें नूडल्स डालेंगे। तो इस तरह से आप चारों साइड इसे फैला कर डालें, आपको एक साथ नूडल्स नहीं डालना है, थोड़ी थोड़ी करके इस तरह से चारों साइड फैला कर डालें। इसे हम हल्का सा ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे और इसमें चम्मच हमें बिल्कुल भी नहीं लगाना है। गैस की फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है और देखिए ये हल्का सा गुलाबी हो गया है, हमें इसे बस इतना ही फ्राई करना है। इसे निकाल लेंगे। इस तरह से आप सभी नूडल्स को फ्राई कर लें। इस तरह से आपको थोड़ी थोड़ी करके नूडल्स डालना है और आप जिसमें फ्राई कर रहे हैं नूडल्स को वो चीज़ आप बड़ी लें, मतलब बड़े बर्तन में फ्राई करें, क्योंकि जब आप नूडल्स डालेंगे तो तेल थोड़ा सा ऊपर आएगा। ये देखिए नूडल्स कितनी बढ़िया फ्राई हुई है, दिख रही है ना बिल्कुल सेम जैसी। और ये देखिए आप इसकी आवाज़ सुनिए कितनी क्रिस्पी बनी है। यहाँ पर मैं कुछ वेजिटेबल्स ले रही हूँ, तो ये मैंने शिमला मिर्च ली है, गाजर, बारीक कटी हुई पत्ता गोभी, प्याज और टमाटर। अब इसमें सभी सॉसेस डालेंगे, तो 1 चम्मच इसमें सोया सॉस डालेंगे, 1 चम्मच चिली सॉस, 1/4 चम्मच मेयोनीज डालेंगे, ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, 1/2 चम्मच शेजवान सॉस डालेंगे, 1 चम्मच टोमेटो सॉस, 1/4 चम्मच नमक, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। सभी वेजिटेबल्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप इसमें अपनी पसंद की वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं और ये सॉसेस सभी अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब जो हमने नूडल्स फ्राई करी है वो डाल देंगे।
एक और स्पून लेकर हम इस तरह से इसे मिक्स करेंगे। दो स्पून से ये बहुत इजी तरीके से मिक्स हो जाता है और बहुत जल्दी ही मिक्स हो जाएगा ये। ये देखिए झटपट से हमारी चाइनीज भेल बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसे सर्विंग बाउल में सर्व करेंगे। ये देखिए चाइनीज भेल का कलर कितना अच्छा आया है। और आप इसमें वेजिटेबल्स ज़्यादा डालें क्योंकि इसमें टेस्ट वेजिटेबल्स का बहुत अच्छा आता है।